हे गाइस, माय नेम इज संजय, यू आर वाचिंग जो प्रोडक्शन। तो आज हमारे साथ है डैडी कॉलिंग का होल स्क्वाड एंड ब्लैकबोर्ड का स्क्वाड। सो यहाँ पे डैडी कॉलिंग है जिनका सबसे ज़्यादा इंडिया में लेवल है 85 का। सो उनके साथ आज कस्टम रूम मैच करवाया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे साथ बोल्टी है, हॉक आए 01 के बंदे है, हॉक बुलेट जिनका नाम है जी लेबरा, और अच्छी तरह से यहाँ पे धो रहे हैं। ब्लैकबोर्ड के स्क्वाड ने यहाँ पे दो बंदे को डाउन कर दिया है। तो देख सकते हैं हमारे सामने है डैडी कॉलिंग, 85 लेवल वाले डैडी कॉलिंग। तो यहाँ पे बोल्टी बट से डैडी कॉलिंग, तो यहाँ पे मार दिया गया पूरी तरह से। किसने मारा है? ब्लैकबोर्ड ने मार दिया यहाँ पे पीछे से आके ओपी स्टाइल से। तो देख सकते हैं ये ब्लैकबोर्ड का स्क्वाड है, बोल्टी बुलेट जिलेब्रा, एंड यहाँ पे देख सकते ओरियो डैडी कॉलिंग एंड डैडी कॉलिंग ग्रीन क्रिमिनल। और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं नरूटो, डीसी नरूटो। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल जो कि बहुत ही रेयर माना जाता है, जो कि कमी बंदों के पास होता है। बाकी क्रिमिनल बंडल तो होते हैं पर ग्रीन क्रिमिनल बहुत ही कम बंदों के साथ होते हैं। एंड डैडी कॉलिंग को यहाँ पे डाउन कर दिया है ब्लैकबोर्ड ने। यस ब्लैकबोर्ड ने पूरी तरह से डाउन कर दिया है। यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल देखते हैं कि उन्हें बचा पाते हैं। नहीं, यहाँ पे तो कोई नरूटो भाई बचा रही है इन्हें बहुत अच्छे से, एंड ब्लैकबोर्ड ग्लू बॉल तोड़ता हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोल्टी बाबा किस तरह से मारे, और यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल को डाउन कर दिया बोल्टी ने ओपी स्टाइल से। यहाँ पे पूरा किल करेंगे, हाँ हेडशॉट से पूरा किल किया। यहाँ पे हॉक आई 01 के बुलेट भाई ओपी स्टाइल से यहाँ पे हेडशॉट दिया है ओपी स्टाइल से नरूटो भाई ने, और यहाँ पे मार दिया है ब्लैक बॉट ने उन्हें, और हेडशॉट बहुत ही ओपी था मेरे भाई, क्या बोलूँ। यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट राउंड स्टार्ट। यहाँ पे हमारे साथ है डैडी कॉलिंग। सो चल पड़े हैं यहाँ पे अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना के ओपी स्टाइल से। डैडी कॉलिंग एक के साथ खेलेंगे, सो क्या एक ब्लैक बोर्ड के स्क्वाड को मार पाएंगे। सो गाइस, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, मेरे को नहीं पता सब्सक्राइब होना ही चाहिए। यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल चलता हुआ, एंड यहाँ पे थोड़ी सी बोल्टी वर्सेस नरूटो भाई की फाइट लगी थी, एंड ग्रीन क्रिमिनल वर्सेस ब्लैक बोर्ड, हाँ ब्लैक बोर्ड ने डाउन कर दिया है ओपी तरीके से, एंड पूरा किल करेंगे। थोड़ा सा बच गए रे मेरे भाई। यहाँ पे पीछे से ओरियो भाई मारते हुए ब्लैक बोर्ड को, एंड यहाँ पे ब्लैक बोर्ड को किल मिल चुका है और साथ में डाउन। और बोल्डी भाई ओपी स्टाइल से आते हुए हॉर थोड़े 18 का डैमेज कौन देता है मेरे भाई, 18 का डैमेज दिया मेरे भाई। यहाँ पे ओरियो ने पूरा किल कर दिया है और ओरियो भी डाउन। यहाँ पीछे से आते हुए हॉक आई एंड नरूटो भाई, नरूटो भाई उन्हें शायद रिवाइव कर पाएंगे, हाँ कर पाएंगे मेरे भाई। यहाँ पे ग्लू बॉल को तोड़ते हुए, एंड यहाँ पे देख सकते हैं ओरियो भाई किस तरह से हील कर रहे थे। तो यहाँ पे बुलेट भाई मार पाएंगे, हाँ ओरियो डन हो चुका है, यहाँ पे बच चुका है ओनली वन, एंड बुलेट भाई मार दो मुंडी तोड़ दो। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मार दिया जिलेब्रा ने ओरियो को, यहाँ पे बन चुका है 1v2, और यहाँ पे लगता है एलिमिनेट हो गए, हाँ एलिमिनेट हो गए मेरे भाई। ओपी तरीके से जीत लिया है यहाँ पे ब्लैक बॉट की टीम ने 3 राउंड। सो नाउ गाइस, दिस इज अ 4th राउंड, तो कौन जीत पाएगा मेरे भाई। डैडी कॉलिंग की स्क्वाड ओपी शायद से चल पड़ी है, तो पिछले राउंड में बहुत ही ओपी खेला सबके साथ, एंड ब्लैक बॉट की टीम बहुत ओपी स्टाइल से खेलती हुई। एक साइड सर्वाइवर टीम है एंड एक साइड रशर की टीम है, सो कौन जीत पाएगा। मेरे को तो लगता है कि बीके की टीम जीतेगी, बीके का नाम ब्लैक बॉट है, मतलब सोचो शॉर्ट फॉर्म में बीके की। यहाँ पे बीके वर्सेस नरूटो, क्या डाउन कर पाएंगे, हाँ, जैसा कि मैंने बोला था ब्लैक बॉट ने कर दिया था डाउन, एंड ब्लैक बॉट को कर दिया है डैडी कॉलिंग ने डाउन, एंड पूरा किल लेंगे मेरे आइडिया से। यहाँ पे मोरिया भाई भी अच्छा खासा डैमेज देते हुए, हॉक भाई भी चल पड़े हैं ओपी तरीके से। यहाँ पे डैडी कॉलिंग ने पूरा किल कर दिया है ब्लैक बॉट को, ब्लैक बॉट ओ माई गॉड। यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल ने हॉक को मार दिया है हेडशॉट, ओपी हेडशॉट मेरे भाई। यहाँ पे हमारे साथ बच चुके हैं बोल्टी हूँ भेंचो, बीसी का मतलब भेंचो, समझे ना, दिल्ली से हूँ भेंचो, वही स्टाइल है। यहाँ पे डैडी कॉलिंग ने मार दिया है, यहाँ पे जीत चुके हैं पहला राउंड डैडी कॉलिंग की स्क्वाड मेरे भाई, ओपी स्टाइल से नरूटो भाई जो। तो यहाँ पे लग चुका है अगला राउंड, तो
कौन जीत पाएगा इस राउंड को? बोल्टी भाई अकेले मत जाओ मेरे भाई, मार डालेगा रे कोई ना कोई। अच्छा 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 नहीं, पीछे से उनके सलेब्रा भाई भी आ चुके हैं। एंड यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल देखिए, अरे 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 पैक कर दिया। यहाँ पे डैडी कॉलिंग ऊपर से कवर देंगे, डैडी कॉलिंग। एंड यहाँ पे बीके ब्लैक बॉट। सो नाउ यहाँ पे बोल्टी को डाउन कर दिया है, जैसा कि मैंने कहा था कि अकेले मत जाओ, अकेले मार देंगे। यहाँ पे ओरियो ने हेडशॉट से मार दिया है बोल्टी को, तो थोड़ा सा जुकाम लग चुका है तुम्हारे बाइक को, थोड़ा सा इग्नोर करना मेरे भाई। पीछे से डैडी कॉलिंग आते हुए, एंड ग्रीन सिग्नल देखिए किस तरह से बैठे हैं। एंड ऊपर से जाते हुए नरोटो भाई ऑफिस स्टाइल से बीके पीछे से आता हुआ, बीके। एंड यहाँ पे हॉक भाई भी थोड़ा सा मारते हुए उन्हें, अरे भाई भाई ऐसे मत मर जाओ यार भाई, डाउन कर देंगे एंड मार डालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार दिया गया है ओरियो को ओपी स्टाइल से 3v3। डैडी कॉलिंग ने डाउन कर दिया है यहाँ पे हॉक को, यस यस नाइस। तो नाउ यहाँ पे पूरा किल करेंगे हॉक बुलेट को। यहाँ पे लेब्रा भाई वर्सेस डैडी कॉलिंग, तो ओपी मेरे भाई, ओपी हेडशॉट डैडी कॉलिंग को दिया है यहाँ पे लेब्रा ने, एंड डाउन कर दिया है पीछे से आके। एंड यहाँ पे बच चुके हैं ब्लैक बॉट एंड 1v3 का मैच, 1v3 का मैच गाइस। कौन जीतेगा? मेरे को तो लगता है कि तीन बंदे जीतेंगे, कितना सा भी कितना प्रो हो, पर तीन बंदों को मानना बहुत ही मुश्किल होता है रे मेरे भाई। आप बोलेंगे अल्ट्रा प्रो इन्फेंजो, वो उसकी तो बात ही अलग है, क्या बोलूँ, वो तो चार बंदों को अकेला मार दे। तो यहाँ पे देखिए बोल्टी इमोट दिखाता हुआ, थोड़ा सा ग्रीन क्रिमिनल मूवमेंट दिखाता हुआ, यहाँ पे ओरियो भाई और मूवमेंट दिखाते हुए। तो ब्लैक बॉट ओपी स्टाइल से चल पड़ा है और बोल्टी भाई उनके पीछे, हॉक भाई एक ही बात है मेरे भाई, समझ लेना जो भी बोल रहा हूँ। यहाँ पे डैडी कॉलिंग चलते हुए थोड़ा सा आगे, एंड बोल्टी भाई थोड़ा सा डैमेज देते हुए ओपी स्टाइल से, ब्लैक बॉट अंदर से आते हुए अंदरूनी शिकार करेंगे वाला ओपी स्टाइल से। यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल को अच्छा सा डैमेज, यहाँ पे हॉक भाई को भी अच्छा सा डैमेज देते हैं नरूटो। एंड इनके पीछे दो दो बंदे पड़े हैं, ओरियो एंड नरूटो। तो यहाँ पे ब्लैक बॉट डाउन कर पाएंगे क्या? हाँ कर दिया है डाउन, एंड करेंगे शायद पूरा किल। हाँ ओपी स्टाइल से किल कर दिया है डैडी कॉलिंग का। सो यहाँ पे हॉक भाई थोड़ा सा बैठे हुए हैं कवर में, एंड ग्रीन क्रिमिनल को डाउन कर दिया है यहाँ पे लेब्रा भाई ने। सो ओपी स्टाइल से जीत चुके हैं यहाँ पे ब्लैक बॉट की टीम। यहाँ पे स्कोर हो चुका है 2-4। कौन बनेगा मोर? ओके 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 भाई, ओके भाई। सो गाइस बुलेट भाई AWM का उपयोग करते हुए, AWM किंग कौन है मेरे भाई? तुम्हारे भाई का नाम हैशटैग में डालें। यस यस मेरा नाम लोगों को पता है ना कि नहीं पता है? तो देख सकते हो यहाँ पे डैडी कॉलिंग AK एंड MP40 के साथ खेलेंगे ओपी तरीके से। यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल MP40 लेते हुए पोकर MP40 ओपी स्टाइल से मारेंगे सबको, हेड पे हेड सबको कर देंगे डेड पे डेड। नरूटो भाई ऊपर से जाते हुए, एंड ब्लैक बॉट भी उनके साथ आते हुए, एंड नरूटो वर्सेस। अच्छा किधर रे भाई, किधर बैग जा रहा है, वापिस जाता हुआ मेरा भाई। ब्लैक बॉट है वैसे चुस्त, कुछ नहीं बोल सकते ओपी स्टाइल से। यहाँ पे ओरियो एंड नरूटो एंड ब्लैक बॉट एंड लेब्रा भाई, और यहाँ पे बोल्टी चतरा देखिए क्या मज़े ले रहे हैं पीछे से बैठ के AWM से। ओ भाई हॉक भाई भी मज़े ले रहे हैं, क्या ही बताऊँ यार। ओपी स्टाइल से यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे ओरियो को डाउन कर दिया है ब्लैक बॉट ने शायद। हाँ डैडी कॉलिंग पीछे से कवर देते हुए इन्हें, एंड डैडी कॉलिंग ग्रीन क्रिमिनल भी पीछे से आते हुए, रेयर बंडल में से एक ग्रीन क्रिमिनल। तो गाइस यहाँ पे बोल्टी को थोड़ा सा जोन मारता हुआ, एंड यहाँ पे किल कर दिया है ओपी स्टाइल से। यहाँ डैडी कॉलिंग पीछे बैठे, एंड यहाँ पे डाउन। सो नाउ गाइस यहाँ पे बच चुके हैं यहाँ पे डैडी कॉलिंग और हॉक बुलेट भाई ने डैडी कॉलिंग को मार दिया है ओपी स्टाइल से। यहाँ पे स्कोर हुआ है 2-5। सो गाइस यहाँ पे आ चुका है मील वाला राउंड। सो देख सकते हैं यहाँ पे इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी डैडी कॉलिंग की स्क्वाड की। अच्छा नीचे से आ रहे हैं सबके सब, और यहाँ पे बीके का स्क्वाड ऊपर से आ रहा है। तो बीके ने देख लिया सबके सबको, तो क्या मार पाएंगे बीके? अच्छा इनके पास शॉर्ट रेंज की गन है ओनली। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोल्टी भाई किस तरह से चले हैं,
और यहाँ पे डैडी कॉलिंग, ग्रीन क्रिमिनल भी ओपी मूवमेंट दिखाते हुए, और यहाँ पे हमारे पास बोल्टीफाई AWM के बहुत ही शिकारी बंदे, यहाँ पे बुलेट वाई भी AWM लेते हुए, और यहाँ पे डेजर्ट ईगल से हेड पे हेड मारेंगे मेरे आईडिया से लेब्रा भाई, और ब्लैक बॉट वर्सेस डैडी कॉलिंग, और यहाँ पे डैडी कॉलिंग को डाउन कर दिया है ब्लैक बॉट ने, जो कि बहुत ओपी स्टाइल से मारा था, एंड पूरा किल करेंगे लगता है। यहाँ पे लेब्रा भाई हेड शॉट मारने की पूरी प्लानिंग है, हाँ हेड शॉट से मार दी है ब्लैक बॉट ने डैडी कॉलिंग को। यहाँ पे देख सकते हैं नरूटो भाई नरूटो वाली स्किल दिखाते हुए ओपी स्टाइल से, और यहाँ पे बोल्टी भाई पीछे से आ रहे हैं शायद, हाँ 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 बोल्टी भाई पीछे से आ रहे हैं, और यहाँ पे डाउन कर दिया है बोल्टी भाई को नरूटो ने। तो यहाँ पे ओरियो वर्सेस लेब्रा भाई, और यहाँ पे डाउन कर दिया है ओरियो को लेब्रा भाई ने। यहाँ पे बीके वर्सेस, ओ हो, अबे साले बीके हील तो करने देता वे, मार दिया है यहाँ पे ओपी स्टाइल से बीके ने, एंड जिता दिया है मैच लेब्रा भाई ने। इसी खुशी में गाइस लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों को, एंड हैशटैग में डालो डैडी कॉलिंग एंड बी के स्क्वाड। गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लेब्रा भाई थोड़ा से बैठे हुए हैं अग्रे शायद, नहीं, बोल्टी हूँ बीसी चल पड़े यहाँ पे, हॉक बुलेट बुलेट की स्पीड से मारेंगे बंदों को। यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल भी चल पड़े ओपी स्टाइल से, क्या ए राउंड जीत पाएगी डैडी कॉलिंग की स्क्वाड्स, तो देखते हैं क्या होता है। एंड डैडी कॉलिंग यहाँ ऊपर से कवर देते हुए, एंड ग्रीन क्रिमिनल थोड़ा सा पैक होते हुए, यहाँ पे नरूटो भाई ने डाउन कर दिया है हॉक बुलेट को, एंड पूरा किल करेंगे, हाँ पूरा किल कर दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज मिलते हुए नरूटो भाई को ओपी स्टाइल से, और डैडी कॉलिंग ग्रीन क्रिमिनल ऊपर देखते हुए ब्लैक बॉट को, एंड थोड़ा सा डैमेज, यस डैमेज दिया था मेरे भाई ओपी स्टाइल से। यहाँ पे डैडी कॉलिंग थोड़ा सा कवर लेते हुए, यहाँ पे बचे 2 और 4, कौन बनेगा मोर। यहाँ पे बोल्टी भाई थोड़ा सा पीछे को जाते हुए, एंड देख सकते हैं यहाँ पे बीके ओपी स्टाइल से मारते हुए, एंड डैडी कॉलिंग को डाउन करते हुए बोल्टी भाई, एंड पीछे से ग्रीन क्रिमिनल आते हुए, पर ओरियो भाई ने पीछे से डाउन कर दिया है ओपी स्टाइल से यहाँ पे बोल्टी को, एंड बीके ओनली वन ऑफ द मोस्ट प्लेयर फेवरेट प्लेयर बोल सकते हैं, मेरा तो फेवरेट है। तो यहाँ पे ब्लैक बॉट ने मार दिया है ओपी स्टाइल से नरूटो को, सो नाउ यहाँ पे बच चुके हैं 1 और 3, कौन रहेगा फ्री। ओके सो यहाँ पे ब्लैक बॉट की मौत पक्की है मेरे भाई, हाँ जैसा कि मैंने कहा था ओरियो ने पूरा फ़ायदा लिया है ब्लैक बॉट को मारने का, शायद मैं होता तो मैं भी फुल फ़ायदा लेता, यस गाइस फुल फ़ायदा। सो यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 6 राउंड चल पड़ा है, 3 और 6 10th राउंड चल पड़ा है, 10वां राउंड चल पड़ा है। यहाँ पे डैडी कॉलिंग AWM लेते हुए क्या पट से हेडशॉट मार पाएंगे, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे नरूटो भाई अंदर जाते हुए ऑफिस स्टाइल से यहाँ पे डैमेज देते हुए और डैमेज खाते हुए ब्लैक बॉट ऊपर है, एंड नरूटो भाई नीचे है ब्लैक बॉट, ब्लैक बॉट, ब्लैक बॉट, जिनका नाम ही ब्लैक बॉट है उन्हें बॉट बोलने में भी शर्म है। यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल मार पाएगा क्या, उन्हें डैमेज अच्छा खासा मिल चुका है, और बोल्टी भाई ओपी स्टाइल से ग्लू बॉल लगाते हुए इसे पच 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 करके ग्लू बॉल लगाते हैं पता नहीं कैसे, लेब्रा भाई ने डैमेज दिया है, एंड बोल्टी यहाँ पे डाउन, क्या ब्लैक बॉट मार पाएगा ग्रीन क्रिमिनल को, ग्रीन क्रिमिनल बचता हुआ, हाँ गाइस यहाँ पे डैडी कॉलिंग को पूरा किल करेंगे, हॉक भाई ने पूरा किल कर दिया है डैडी कॉलिंग को ओपी स्टाइल से, यहाँ पे नरूटो भाई ने भी किल कर दिया है ओपी तरीके से। सो यहाँ पे बोल्टी भाई बचे हैं हमारे साथ, हॉक बुलेट एंड ब्लैक बॉट डैडी कॉलिंग ओरियो नरूटो 3v3, यहाँ पे बोल्टी को रिवाइव कर दिया है, यहाँ पे नरूटो ने मार दिया हॉक बुलेट को ओपी स्टाइल से, यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा था ब्लैक बॉट स्कोप निकाल के, एंड हील करेगा यहाँ पे बोल्टी भाई, और ग्रीन क्रिमिनल ऊपर से आता हुआ यहाँ पे ओरियो को डैमेज देते हुए ओपी स्टाइल से, पर बचा नहीं पाए नरूटो भाई। तो यहाँ पे 2v2 हो चुका है, ओ भाई ओपी स्टाइल से मार दिया है डैडी कॉलिंग ग्रीन क्रिमिनल ने बोल्टी को, यहाँ पे ब्लैक बॉट अकेले बचे है, 1v2 हो चुका है मैच, 1v3 2, ओके 1v2 मान लिया मेरा भाई ओपी स्टाइल से, यहाँ पे ब्लैक बॉट को ख़त्म कर दिया है डैडी कॉलिंग ग्रीन क्रिमिनल ने हेडशॉट के साथ ओपी स्टाइल से। यहाँ पे हो चुका है स्कोर 4 और 6,
ओके सो गाइज, यहाँ पे हो चुका है स्कोर 4 एंड 6 का। यहाँ पे कोई भी बाजी मार सकता है, कोई भी जीत सकता है। सो नाउ गाइज, तो आप अपनी अपनी फेवरेट टीम कमेंट करो एंड मुझे भी बताओ कौन सी टीम है आपकी फेवरेट। मेरी तो दोनों ही टीम फेवरेट्स हैं। सो एक साइड है 85 लेवल वाले डैडी कॉलिंग की स्क्वाड और एक साइड है हेड शॉट किंग ब्लैक बॉर्ड की स्क्वाड, जिसमें ओपी ओपी बंदे भरे हैं दोनों स्क्वाड में। यहाँ पे देख सकते हैं नरूटो भाई अपनी निंजा टेक्निक दिखाते हुए। सो क्या ये जीत पाएंगे फिफ्थ राउंड भी, इनका फिफ्थ। ओके सो यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल पीछे से, तो और यहाँ पे बीके ने AWM उठाया ओपी तरीके से। क्या AWM से मार पाएंगे हेड पे हेड पट से हेड शॉट। यहाँ पे डैडी कॉलिंग भी AWM का यूज़ करते हुए। सो आगे जाएंगे थोड़ा सा तो देख सकते हैं यहाँ पे ओपी स्टाइल से घूमते 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 घुमाते हुए ओपी ओपी ओपी। तो यहाँ पे देख सकते हो ओरियो भाई कते जर मूवमेंट दिखाते हो। यहाँ पे डैडी कॉलिंग ग्रीन क्रिमिनल और यहाँ पे एम करते हुए बीके, तो कुछ नहीं मिला उन्हें। तो यहाँ पे बोल्टी ओपी स्टाइल से गोल घूमते हो। यहाँ पे ओ भाई लेब्रा भाई को बहुत अच्छा डैमेज देते हो यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल। अरे भाई 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 ओपी स्टाइल मेरे भाई, यहाँ पे डाउन कर दिया है यहाँ पे हॉक बुलेट को। नाइस मेरे भाई नाइस। और यहाँ पे लगता है कि सेव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे डैडी कॉलिंग ने हेडशॉट के द्वारा मार दिया है बुलेट भाई को। और यहाँ पे बोल्टी भाई भी चलते हैं ओपी स्टाइल से। यहाँ लेब्रा भाई क्या कर रहे हैं मेरे भाई, अच्छा अच्छा ग्रीन क्रिमिनल को मार रहे हैं ओपी स्टाइल से मेरे भाई। तो यहाँ पे ब्लैक बॉर्ड अंदर है और यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल और ब्लैक बॉर्ड मारता हुआ और डाउन कर दिया है यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल को। और यहाँ पे जीत चुका है ब्लैक बॉर्ड की स्क्वाड पूरा का पूरा मैच। बोल्टी ने मारा है लास्ट बंदे को। ओके तो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।